नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। भारत का कद दुनिया में आज इतना बढ़ गया है कि हर कोई भारत के साथ पार्टनरशिप और भारत को अपना अलाई बनाना चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी हो। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, अपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें, कि अमेरिका ने अपना B-1 लैंसर बॉम्बर भारत को ऑफर किया है, जो कि वो भारत को बेचना चाहता है। इस खबर के बाद हमारा पुराना दोस्त रशिया कैसे चुप बैठता। कल ही की न्यूज़ है कि रशिया ने भारत को अपने न्यू स्टेल्थ बॉम्बर प्रोजेक्ट पाकदा के प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने को बोला है, और रशिया ने ये भी कहा है कि इस पार्टनरशिप को हम भारत के साथ ही करना चाहते हैं और उन्हें पूरा पूरी इस बॉम्बर का टेक्नोलॉजी भी देना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि हम जॉइंटली एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं भारत के साथ इस बॉम्बर को दूसरे देशों को। और जो कंपनी ये बना रही है रॉस्टेक, उसने मतलब रॉस्टेक इसका मेंटेनेंस देख रही है, तो रॉस्टेक ने ये भी बोला है कि पाकदा के लिए जो हमने एक स्पेशल टेस्टिंग बेस बना दिया है और इसका टेस्टिंग कुछ ही दिनों में चालू कर दिया जाएगा। पाकदा एक नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर है और ये हमारे भारत में एक बहुत पुरानी डिबेट चलती ही आ रही है कि भारत को बॉम्बर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जबकि चाइना भी अपना नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर पर काम कर रहा है जिसका नाम H-20 है। और आपको एक बात बता दूं कि 2025 में चाइना के एयरफोर्स में ये H-20 बॉम्बर शामिल हो जाएगा। और एक बात, जब हमारा दुश्मन ये बना रहा है, डिबेट अपनी जगह है, तो हमको उसको काउंटर करने के लिए बॉम्बर चाहिए, फिर आप के लिए ये रिक्वायर्ड हो नहीं हो। अगर डोमिनेंस रखना है तो आपको बॉम्बर आपके दुश्मन के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। जब भी लेकिन स्टेल्थ बॉम्बर्स की बात आती है, सबसे ऊपर नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका का पहला स्टेल्थ फाइटर जो था वो F-117 नाइट हॉक से लेकर अभी तक नया जो उसका आने वाला है B-21 रेडर, ये दुनिया के सबसे स्टेल्थ बॉम्बर्स में गिने जाते हैं और वो बहुत महंगे भी होते हैं। जब कोई देश अपना ये कोई गुप्त मिशन बनाता है या गुप्त टेक्नोलॉजी शेयर करके अपना कोई नया प्रोजेक्ट बनाता है, तो कोई भी देश अपने आप को मानचित्र में सबसे ऊपर रखता है। हालांकि अब अमेरिका को कड़ी टक्कर देने के लिए रशिया भी मैदान में उतर चुका है। रशिया ने अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट बॉम्बर का फ्लाइट टेस्टिंग का काम पूरी जोर शोर से शुरू कर चुका है। आगे बढ़ने से पहले जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, ये मैं रशिया और इंडियन मीडिया को कोट करके बता रहा हूँ, तो इसमें पूरा पूरी मीडिया का कोटिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया ने और रशियन डिफेंस ने इसमें क्या बताया है। पाकदा का मतलब जो है ये प्रस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन है। ये एक लंबी दूरी का एविएशन प्लेन है। पाकदा सच में, जो आप अगर कहें तो पाकदा सच में एक लंबी दूरी का बॉम्बर है और इसका रेंज जो है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 12,000 किलोमीटर है। ये रशिया के मॉस्को से उड़ान भरकर नॉर्थ अमेरिका के कोई भी सिटी, ऑस्ट्रेलिया का डार्विन और ब्राजील के रियो तक का उड़ान भर सकता है एक ही बार में। ये इतना फ्यूल कैरी करता है अपने साथ कि अपने 4 क्रू मेंबर्स के साथ ये अपने टारगेट को चारों तरफ से चक्कर लगा सकता है अपने टारगेट के ऊपर 30 घंटों तक। और एक बात, अगर जरूरत गिरती है इसको तो इसके पास इतना फ्यूल रहता है कि ये बादलों से भी ऊपर जाकर, बादलों के बीच में छुपकर 30 घंटों तक ये सबसोनिक स्पीड में उड़ता रह सकता है। इसका इंजन इतना शक्तिशाली है जो कि -60 डिग्री से लेकर +50 डिग्री तक का टेम्परेचर में आराम से काम कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है पाकदा की कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब का जो आपका रिएक्शन होगा उससे भी ये बच सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के असर से भी ये बच सकता है। ये अपने साथ 30,000 टन का हथियार लेकर उड़ सकता है, 30,000 टन का। और ये अपने साथ कन्वेंशनल बॉम्ब के साथ साथ न्यूक्लियर मिसाइल और फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल भी कैरी करेगा। ये समझने के लिए कि आज मैं पाकदा की जो बात कर रहा हूँ ये क्या है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। रशिया का पहला जो बॉम्बर था टुपलोव करके कंपनी ने बनाया था, जिसे TU-160 भी कहते हैं हम, ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर है। रशियन एयरफोर्स
इसको अपने पास दशकों से यूज़ कर रही है और करती ही आ रही है। TU-160 का पहला जो उसका इंडक्शन हुआ था ये 1981 में हुआ था, लेकिन आज का वार सिनारियो और वारफेयर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं ये क्रूज मिसाइल कैरी करते हैं, ना कि पहले के बॉम्बर की तरह ये आपके गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी करते हैं। रशियंस ये जान चुके हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी से अब काम नहीं चलेगा, और अगर USA का टक्कर देनी है तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस बॉम्बर्स को इंडक्ट करने होंगे। तभी जाकर रशिया ने TU-160 को मॉडर्नाइज करने चालू किया है और पागदा को पैरेलली परमिशन दी है बनाने के लिए, जो कि रशिया का एक पहला स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है। रशिया के पास अभी खुद ही बॉम्बर की बहुत कमी है और बहुत कम बॉम्बर्स उसके पास बचे हुए हैं। TU-160 एक वक्त था उनके पास बहुत थे, लेकिन जब रशिया टूटा तो काफ़ी सारे TU-160 जो है बॉम्बर उनके यूक्रेन के पास रह गए और रशिया के पास कुछ रह गए। इसलिए रशियन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि TU-160 को हम मॉडर्नाइज कर नया बनाएंगे। उसका एक नया प्रोडक्शन लाइन भी रशिया ने वापस चालू किया और उसे नए एवियोनिक्स और मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से उसे भी बनाया जा रहा है। और पैरेलली उसने रशिया ने पागदा प्रोजेक्ट भी चालू किया, जो कि आपका स्टेल्थ बॉम्बर का प्रोजेक्ट है। रशिया के लिए पागदा का इंजिन्स जो बनाया जा रहा है ये NK-35 इंजिन्स बनाया जा रहा है, NK-65। पागदा के लिए जो इंजिन्स बनाया जा रहा है वो NK-65 है और ये NK-32 इंजिन्स को बेस रखकर ही बनाया जा रहा है, जो कि TU-160 में लगते हैं। पागदा में रशिया का जो मिसाइल्स लगेगा, पागदा बॉम्बर में जो रशिया अपना वेपन्स बॉम्ब्स कैरी कराएगा, वो रहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जिसमें किंजल और KH-92 रहेंगे। क्रूज मिसाइल्स में KH-101, 102 रहेंगे, KH-101 और KH-102। साथ ही साथ इसमें और भी काफ़ी सारे आपके गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स रहेंगे विथ सुपरसोनिक स्पीड एंड हाइपरसोनिक स्पीड। अभी आपको बताता चलूं, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि अभी तक हमने बॉम्बर क्यों नहीं लिया, तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हम भारत को SU-30 यूज़ करना चाहिए एज अ बॉम्बर। पर मैं एक बात बता दूं आपको कि Sukhoi-30 को हम एक टैक्टिकल बॉम्बर के जैसा यूज़ कर सकते हैं, पर स्ट्रेटजिक बॉम्बर नहीं। छोटी दूरी पर जाकर अगर कहीं बॉम्बिंग करना है हम Sukhoi-30 को यूज़ कर सकते हैं अपना, लेकिन लंबी दूरी तक Sukhoi को ले जाकर बॉम्बिंग नहीं की जा सकती है। और टैक्टिकल बॉम्बिंग में इसको एक ही है अपना, सबसे बड़ी कमी Sukhoi-30 में ये हो जाती है कि ये एक ही ब्रह्मोस कैरी कर सकता है, और अगर किसी वजह से वो टारगेट मिस हो गया तो पूरा मिशन फेल हो जाता है। हमें लंबी दूरी के बॉम्बर्स की सख्त ज़रूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मीडिया को भी ये बताया है कि B-21 बॉम्बर या B-1 लैंसर जो भी अमेरिका हमको ऑफर कर रहा है, ये बहुत एक्सपेंसिव है और इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और उनका ये मानना है कि इंडिया को रशिया के साथ इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लेना चाहिए और इंडिया को एक बॉम्बर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और मिनिमम 20 की संख्या में हमको अपने पास बॉम्बर रखने पड़ेंगे। वो भी आपको एक साथ नहीं, या फेज मैनर में ले सकते हैं, 5-5 के संख्या में। मेरा मानना अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलता हूँ इंडिया को बॉम्बर लेना ही चाहिए, और बशर्ते वो कहाँ से ले ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बॉम्बर लेना चाहिए। अगर अभी का डेट में इस ऑफर के बाद अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा पागदा के साथ भारत को जाना चाहिए। ये न्यू एवेनिक्स के साथ आ रहा है और नया टेक्नोलॉजी के साथ भी आ रहा है, प्लस रशिया हमारा एक बहुत पुराना ट्रस्टेड पार्टनर है, हमको वो चीज़ वो रिलेशंस मेंटेन रखता है और हमें हर एक जगह पे मदद करता है। अमेरिका आज दोस्त है, कल पता नहीं उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो किसी के साथ भी सगा नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछिएगा बॉम्बर्स की ज़रूरत है और भारत को 20 की संख्या में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स वालों ने बोला है उस हिसाब से लेना चाहिए, 5-5 की संख्या में ले लें, आप डिवाइड करके हर 3 साल में 5-5 करके ले लें, और ये पूरा पूरी आपको रशिया टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, आप इसको बेस बनाकर अपना भी खुद का एक अलग से स्टेल्थ बॉम्बर आप भी बना सकते हैं। देखिए पैसा तो हर जगह लगेंगे, लेकिन आपके देश की सुरक्षा सबसे पहले है। हमारे इधर सर पर चाइना बैठा हुआ है, हमारा तो सबसे बड़ा फायदा है बॉम्बर लेकर, एक और कि हमारे पास तिब्बत प्लेटू हम ऊपर में हैं,
अगर हमारे पास बॉम्बर रहता है तो चाइनीज फोर्सेस का हिम्मत ही नहीं होगा कि वो अपना लाइन से आगे आए या कुछ भी करे, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास बॉम्बर है, ये ऊपर से ही बिना टारगेट में आए पूरा अपना बेस को हमारा ख़त्म कर सकता है। और देखिए, अपना डोमिनेंस बनाने के लिए आपको, भारत जितना बड़ा देश है, जितना वर्सेटाइल है, इसके दोनों बाजू आपके दुश्मन है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना, तो इनको काउंटर करने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए, इनफैक्ट इंडियन ओशन में भी अपना दबदबा हरदम के लिए बरकरार रखने के लिए हमको बॉम्बर्स चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग क्या लगता है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए बॉम्बर लेने के लिए, अमेरिका के साथ या रशिया के साथ?